हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। हम सॉल्व कर रहे हैं आईटी जेई के पुराने क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन है आईटी जेई मेंस 2019 का। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, एक वायर हवा में नीचे की तरफ गिर रहा है। पहले मैं वायर बना लूं, ये रहा वायर। ओके, अ 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में है। ओके, तो मैं क्या करूं, को मैं सीधे सीधे बनाने की बजाय टेढ़ा टेढ़ा बना लो। ये बना लिया मैंने वायर ए बी, ऊपर नॉर्थ है मेरा, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ एक वायर है एंड इट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बच्चों एक बात बताओ, अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है तो फॉल की वेलोसिटी किस तरह होगी, किस तरफ गिर रहा होगा ये? तो अगर तुम सोच रहे हो कि ये इस तरफ गिर रहा है तो यू आर रॉन्ग। साउथ में थोड़े ही गिरता है, कोई चीज गिरती है तो किधर गिरती है, नीचे की तरफ। तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो किस तरफ होगा, इसका वेलोसिटी वेक्टर बच्चों इनटू द प्लेन होगा, ऐसे अंदर की तरफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, ऑन टू द प्लेन गिर रहा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वैल्यू। तो जो वेलोसिटी है इट इज परपेंडिकुलर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। आई होप ये बात पता हो आप, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, इस तरह से साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू गिवन है इसकी 0.3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वायर, इस वायर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बच्चों ईएमएफ का फॉर्मूला अगर आपने याद कर रखा है बीएलवी, तो आप फंस सकते हो। इसकी जगह इसका ट्रू फॉर्मूला याद करो, वी क्रॉस बी डॉट एल, फिर आप नहीं फंसोगे। ओके, इस तरह की सिचुएशन में देख पाना चीजों को थोड़ा सा टफ होता है, फिर भी चलो ट्राई करता हूं बिना इस फॉर्मूले के सॉल्व कराने की भी। अगर इस रॉड में एक पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज मान लिया, बहुत सारे होंगे, एक मान लिया, तो उस पर फोर्स किस तरफ लगेगा। फोर्स होता है पॉजिटिव चार्ज पर, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, क्यू वी क्रॉस बी। क्या आप मुझे वी क्रॉस बी की डायरेक्शन बता सकते हैं? वी नीचे की तरफ है और बी ऊपर की तरफ, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अंदर की तरफ पॉइंट करो स्क्रीन के और ऊपर की तरफ फोल्ड करो वी क्रॉस बी। अगर नहीं कर पा रहे हो तो इतना सोचो, माइनस के कैप क्रॉस बी की क्या डायरेक्शन है, जे कैप। के क्रॉस जे कितना होगा, माइनस आई, और एक माइनस ऑलरेडी है तो आई कैप। तो इस पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए इसमें ईएमएफ आएगा। लेकिन इस पर फोर्स किधर लगा, आगे की तरफ। आगे की तरफ जगह नहीं थी तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन इन रियलिटी जो फोर्स है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में है। तो इसीलिए अगर आपने बीएलवी फॉर्मूला याद कर रखा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेंथ है वो ये पूरी लेंथ नहीं लेनी है, इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होगा 45 डिग्री पर, यानी आंसर आएगा बी एल वी साइन 45। अब जिसने ये रट रखा है उसका गलत हो जाएगा, और जिसको कंसेप्ट पता है वो थोड़ा सा दिमाग लगा के सही कर देगा। और अगर ये चीज नहीं पता तुमको कि रॉड की लेंथ का कंपोनेंट लेना पड़ता है, तो फिर आप तरीके से करोगे क्वेश्चन। कैसे करोगे, वेलोसिटी को लिखोगे माइनस वी के कैप, वेलोसिटी को लिखोगे माइनस वी के कैप क्रॉस मैग्नेट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड को लिखोगे बी जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट लेंथ को लिखोगे एल कॉस 45 आई कैप प्लस एल साइन 45 जे कैप, और इसको सॉल्व करके देखोगे तो भी आंसर आएगा बी एल वी कॉस 45। समझ में आया बच्चों? आई थिंक मैंने यहाँ पर वी साइन 45 बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, इस लेंथ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस 45 ही होगा, आई डोंट नो कैसे मैं गलत बोल गया, सो सॉरी। एनीवे नो हार्म डन, बी एल वी कॉस 45 आंसर आएगा। वैल्यू पुट करके देख लो, अप्रोक्सीमेट आंसर इसका 1.1 × 10⁻⁴ - 3 वोल्ट आएगा। आई बात समझ में? ओके, क्वेश्चन टफ नहीं था, पर जिसने फॉर्मूला रट रखा है उसका गलत हो जाएगा। या तो ये समझ लो या फिर ये समझ लो कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे
उस डायरेक्शन में रॉड की लेंथ का जो कंपोनेंट होता है, बीएलवी में लेंथ का वही कंपोनेंट पुट किया जाता है। इस डायरेक्शन में फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, तो रॉड का एक्स कंपोनेंट एल कॉस 45 ही बीएलवी में आपको पुट करना है। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जहां भी डाउट आए यू कैन चेक आउट माय चैनल। हाँ, एक और चीज, माय नेम इज अंशुल गुप्ता एंड आई टीच फिजिक्स एट द फिजिक्स ट्री इन जनकपुरी दिल्ली। ओके, इफ यू नीड माय हेल्प यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। बाय बाय।